उपकारी संतों की यादें, फिर ये मौसम दोहराता है। मुक्ति की राह दिखाने वालों को दिल शीश झुकाता है। जी हाँ, दिल शीश झुकाता है उन्हें जो मुक्ति की राहों में परोपकार करते हुए अपना जीवन मानवता के नाम समर्पित कर गए। उनके जीवन को, उनकी शिक्षाओं को नमन करते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जुलाई महीने की खबरों के साथ अगस्त महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ सिमरन। नमस्कार, धन निरंकार। इस एपिसोड में सबसे पहले हम दिव्य वाणी में सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के प्रवचनों से रूबरू होंगे। इसके बाद सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की दूर देशों की कल्याण यात्राओं की झलकियों का आनंद लेंगे। नरसेवा नारायण पूजा के तहत निरंकारी मिशन द्वारा की जा रही सामाजिक सेवाओं का ब्यौरा होगा और साथ ही होंगी साउथ अफ्रीका और बार्सिलोना समागम की झलकियाँ। और हाँ, इन सब खबरों में महक रहा है सद्गुरु माता जी का पावन आशीर्वाद। तो आइए सबसे पहले जुड़ते हैं दिव्य वाणी से। सात संगत जी, कड़वाहट या मिठास तो इंसान के मन में होती है और ये जीभ के जरिए वह बाहर आती है। मन में मिठास है तो मिठास बाहर आएगी, मन में कड़वापन है तो कड़वापन बाहर आएगा। जिस प्रकार हम देखते हैं पानी हमेशा उतराई की तरफ ही जाता है, इसी प्रकार जो अंदर होता है वो बाहर आता है। और अक्सर इंसानों के साथ ऐसे ही होता है, ह्यूमन नेचर है कि फजूल की बातें, निंदा चुगली, नफरत की तरफ ज़्यादा मन का ध्यान लगता है। तभी कहते हैं मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन पे काबू कर लिया, समझो उसने दुनिया पे काबू कर लिया। क्योंकि मन पे काबू है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ना कभी किसी दूसरे का बुरा सोचेगा ना बुरा करेगा। इससे ना अपना नुकसान करेगा ना दूसरों का नुकसान करेगा। और इसका एक आसान तरीका जो बाबा जी ने हमेशा हमें सिखाया कि इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ के हम सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ें। साथ संगत जी, निरंकार के साथ जुड़ेंगे तो हमारे अंदर परहित वाली भावना आएगी, सब अपने लगेंगे। सत्संग जी, शहंशाह जी ने एक बार फरमाया कि हम जहाँ बैठें प्रभु परमात्मा की ही चर्चा करें, किसी की कभी निंदा या किसी के बारे में गलत चर्चा ना करें। क्योंकि हम प्रभु चर्चा करेंगे तो हमारे मन में भी, हमारे मन में, हमारे मुख में हमेशा मिठास वाली बात ही रहेगी। साथियों, अगस्त का महीना है और इस महीने देश भर में जहां आज़ादी का पर्व मनाया जाता है, तो वहीं निरंकारी जगत में भी ये महीना कुछ खास और पावन यादें समेटे हुए आता है। जी हां, ये महीना याद दिलाता है शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज और जगत माता जी के परोपकारों की, निरंकारी राज माता जी एवं बाबा गुरबचन सिंह जी के त्याग और बलिदान की, बाबा हरदेव सिंह जी एवं माता सविंदर जी के समर्पण और रूहानी प्यार की। इन दिव्य विभूतियों ने सत्य का प्रचार पूरे संसार में फैलाया और आज सत्य का यही संदेश देश विदेश में जन जन तक पहुंचा रहे हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। तो आइए दूर देशों में बरस रही रहमतों की झलकियाँ देखते हैं इस रिपोर्ट में। 28 जून को सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी लंदन से स्पेन के बार्सिलोना पहुंचे। यहां पर निरंकारी मिशन के अनुयायियों सहित स्थानीय गणमान्य सज्जनों ने दिव्य जोड़ी का वेलकम किया। जब सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी बार्सिलोना सत्संग भवन पर पधारे तो यहां पर स्वागत समारोह में भारतीय तथा स्पेनिश सभ्यता का मिला जुला रूप देखने को मिला। सतगुरु माता जी ने यहाँ एकत्रित श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। बार्सिलोना में होने वाले 2 दिवसीय समागम की तैयारियां कर रहे भक्त सेवादारों को
दिव्य युगल ने पावन आशीर्वादों से निहाल किया। 1 जुलाई को बार्सिलोना समागम का पहला दिन था। इसका शुभारंभ एक भव्य शोभा यात्रा से हुआ। इस शोभा यात्रा में जहां यूरोपियन देशों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, तो वहीं भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा अमेरिका से भी प्रभु प्रेमियों का आगमन हुआ। शोभा यात्रा में विभिन्न देशों की संस्कृति का सुंदर गुलदस्ता सजा हुआ नजर आ रहा था। समागम के पहले दिन के सत्संग कार्यक्रम में अलग अलग भाषाओं में रूहानियत और इंसानियत के संदेश दिए गए। Spirituality transforms the vision with which we see and the way that we perceive the world. The internal spiritual journey shines through to how we think and externally how we speak, how we act, how we react. अंतिम दौर में निरंकारी राजपिता जी ने अपना अनमोल मार्गदर्शन दिया। ये जो आज एनएस का डे वन और ये जो रूप बना है, तो दास सबको मुबारकबाद भी देना चाहेगा, जहां माता सतगुरु माता जी की कृपा से ये संभव हुआ, वहीं आप सब भी पिछले कई महीनों से तैयारियों में लगे हैं। सतगुरु का ध्यान तो पिछले साल जब यूरोप का टूर कर रहे थे तभी आ गया था कि अगले साल शायद नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाना हो तो यूरोप में समागम करना है। और आज ये जो रूप बना, चाहे सुबह प्रोसेशन का और आज ये डे वन, जहाँ सभी की मेहनत दिख रही थी, कितनी ही लैंग्वेजेस, तो ये जो भक्तों के भाव हैं ये प्रेम पर आधारित होते हैं। तत्पश्चात सतगुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों से समस्त मानवता को संबोधित किया। सत्संग में आने से जीवन का रूप क्या से क्या हो जाता है, ये दिशा क्या से क्या हो जाती है, मन के भाव सेवा सुमिरन सत्संग के सहारे एक इतने गहरे हो जाते हैं इस परमात्मा के प्रति, और कैसे हर कोई फिर अपने जीवन में एक अपनी भक्ति से विश्वास से आनंद रूप लेता है, ब्लिस का एक एहसास हमेशा के लिए होता है कि जब अपने आप को पूरी तरह इस परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, इस मन को और ये लगाम जीवन की परमात्मा के आश्रय, तो फिर एक मन में हमेशा संतुष्टि होती है, एक शांति होती है कि कैसे कुछ भी हो मन में ठहराव है, स्थिरता है, क्योंकि मन ही स्थिर के साथ जुड़ गया है। 2 जुलाई का दिन यूरोपियन समागम का दूसरा दिन था। समागम स्थल पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए निरंकारी प्रदर्शनी, प्रकाशन स्टॉल तथा ब्रह्म ज्ञान प्रदान कक्ष आदि अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। मिशन के इतिहास तथा आइडियोलॉजी पर आधारित निरंकारी प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। दूसरे दिन के एक सत्संग कार्यक्रम में भी मानवता तथा आध्यात्मिकता के संदेश अनेक भाषाओं में गीतों, व्याख्यानों तथा कविताओं के माध्यम से दिए गए।
अगर किसी इंसान के जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है तो उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी के ट्रेट्स हैं, प्यार, करुणा, नम्रता, दया, मिलवर्तन, एम्पैथी, विशालता, सहयोग, ये सारे ट्रेट्स उभर कर आते हैं। एंड वी कैन से दैट वो इंसान पूरे ही संसार के अंदर एक हीरे की भांति चमकता है। इंसानियत और रूहानियत, इंसानियत किसके लिए है? इंसान के लिए। और इंसान कौन है? वो हमें पूर्ण सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें इसका बहुत दाता फरमाया। यहाँ पर चंद्रशाल दास आपके इश्क खिदमत कर रहा है तो खुदा ताला खुद फरमा रहा है, आदम का बुत बना के इसमें समा गया हूँ, ऐसे तो मैं खुदा था, वैसे भी मैं खुदा हूँ। साथ संगत, वी केम हियर टू सेलिब्रेट the humility and spirituality. Come and get the blessings from our Almighty, our Sadguru. झोलियाँ भर के जानी है यहाँ से, आओ जिस जिस को झोली भरनी है ये हमारे सदगुरु के सामने आके और झोलियाँ भर के जाओ। इस अवसर पर निरंकारी राजपिता जी ने अपने उद्बोधन में ब्रह्म ज्ञान की महत्ता तथा सतगुरु की कृपाओं का जिक्र किया। सत्संग कार्यक्रम के अंत में समस्त मानव परिवार को सतगुरु माता जी के आशीष वचन प्राप्त हुए। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी। दोस्त दिगन कौन मोर रहे, धन्यवाद जी। आज ये दूसरे दिन ये यूरोप के समागम का, जहाँ कल भी सभी ने वो संदेश लिया और आज भी वही संदेश जो युगों युगों से है कि इस जीवन में आए हैं तो जीवन को पूरी तरह जिया जाए, कि कैसे अपने जीवन को एक हम आध्यात्मिकता के साथ जब जोड़ लेते हैं, इस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं तो ये जीवन वाकई ही एक वरदायिनी जीवन बन जाता है। इस जीवन को फिर एक सिर्फ अपने लिए, अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए नहीं जिया जाता, ये फिर परोपकारी जीवन बन जाता है जो हर एक के लिए है। इसी दिन गुरु वंदना के रूप में सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के सम्मुख अनेक कलाकारों ने अपनी कला की सुंदर प्रस्तुति दी, जिससे संपूर्ण आलम प्रेम भक्ति के रंग में रंग गया। इस अवसर पर भी सतगुरु माता जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। कल्याण यात्राओं की लड़ी को निरंतर जारी रखते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी 7 जुलाई को साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग शहर पहुंचे, जहाँ महात्माओं एवं स्थानीय गणमान्य जनों ने सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी का भावभीना स्वागत किया। सतगुरु माता जी और राजपिता जी का आगमन होते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। इसी दिन कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने अपने कार्यालय में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का स्वागत समारोह आयोजित किया, जहां कॉन्सुलेट जनरल श्री महेश कुमार जी ने भारतीय सरकार की ओर से सतगुरु माता जी का भावभीना अभिनंदन किया एवं संत निरंकारी मिशन द्वारा की जा रही सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की सराहना की। हर होलीनेस सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, ऑनरेबल निरंकारी राजपिता रमित जी, फॉलोअर्स ऑफ संत निरंकारी मिशन, माय कलीग्स इन द कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट फैमिलीज एंड आवर फ्रेंड्स ऑफ कॉन्सुलेट, इट्स अ हाई ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू वेलकम हर होलीनेस सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज टू कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया। And I was very much touched about the message of self-realization through God-realization.
this is very profound, and probably that's the reason that it had spread. Anuji gave very impressive statistics of how far and wide it has reached. I mean, lakhs of followers across the world. It's something very, very remarkable. In fact, I was trying to speak a political leadership here about a meeting opportunity, and when I told them the figures, they found that this is the reach of the mission is even bigger than the population of South Africa. इस अवसर पर निरंकारी राजपिता जी ने भी सभी के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। अंत में सद्गुरु माता जी ने भी वहां उपस्थित सभी सज्जनों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जैसे अभी मैसेज भी सुन रहे थे कि ये जो जीवन है वो एक सिर्फ सांसें लेने की बात नहीं है, वो एकत्व के साथ रहने की। तो दिस वननेस, व्हेन we try to just act to be one with each other, we might still carry the burdens and the biasness, but when we are actually one with this one God, then we see the presence of this God in every human. वहां मौजूद गणमान्य एवं स्थानीय जनों ने सतगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त किए। तत्पश्चात दिव्य युगल का आगमन साउथ अफ्रीका भवन पर हुआ, जहां सतगुरु माता जी ने सत्संग भवन का उद्घाटन किया। समस्त सात संगत एवं बाल संगत के बच्चों ने सतगुरु के आगमन पर खुशियों भरे गीतों द्वारा उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया एवं सतगुरु माता जी के आशीर्वचनों के पात्र बने। आज पहली बार इधर आप सबके बीच आना हुआ, और ये जो दिल की खुशी वो दोनों तरफा ही है। जैसे आप सबके चेहरे मुस्कुराते और कुछ आंखों में प्यार की वो गीलापन भी, तो वही प्यार दासी भी महसूस कर रही है। अगले दिन 8 जुलाई को सतगुरु माता जी की पावन पवित्र छत्र छाया में मार्लबोरो टेंपल श्री राधे श्याम मंदिर में संत निरंकारी मंडल साउथ अफ्रीका द्वारा एक फूड ड्राइव का आयोजन किया गया, जहाँ जोहान्सबर्ग के हजारों स्थानीय निवासियों को खाद्य पदार्थ वितरित किए गए। रात को ही स्थानीय सात संगत और बच्चों ने मिलकर इन खाद्य सामग्री के पैकेट्स बनाए। स्वयं सतगुरु माता जी और राजपिता जी ने सभी सात संगत को आशीर्वाद दिया। इस फूड ड्राइव में साउथ अफ्रीका के डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर पॉल माशाथिले एवं अन्य गणमान्य जनों ने भी भाग लिया और सतगुरु माता जी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में संत निरंकारी मिशन द्वारा की जा रही निष्काम जन कल्याण गतिविधियों की प्रशंसा की। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम डायरेक्टर, योर होलीनेस, मोस्ट वेलकम टू योर आवर कंट्री। आई एम टोल्ड यू इट्स योर फर्स्ट टाइम यू कम, एंड हिज होलीनेस आल्सो फर्स्ट टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम। आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी firstly to thank you for the generosity of giving। कार्यक्रम के आरंभ में सतगुरु माता जी ने परमात्मा को सबसे ऊपर रखते हुए निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने की प्रेरणा दी। इस फूड ड्राइव में मार्लबोरो एवं अलेक्जेंड्रा क्षेत्रों से 4000 से अधिक परिवारों को फूड हैम्पर्स प्रदान किए गए। लगातार 3 घंटों तक सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी ने स्वयं इन फूड हैम्पर्स का वितरण किया। अंत में नो हंगर फूड ड्राइव में भाग लेने वाले अलग अलग फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को सतगुरु माता जी द्वारा सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए गए। अगले दिन 9 जुलाई को जोहान्सबर्ग स्थित मार्लबोरो कम्युनिटी सेंटर में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की हजूरी में भव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में संत महात्माओं एवं अन्य स्थानीय जनों ने समागम में शिरकत की और सदगुरु की रहमतों के भागीदार बने। समागम में रूहानी धारा भिन्न भिन्न रूपों में बहती रही, जिसे आई हुई सात संगत अपने हृदय में उतारती रही। ये समागम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कहलाया
क्योंकि सतगुरु माता जी और राजपिता जी का यहाँ पहली बार आगमन हुआ। निरंकारी राजपिता जी ने भी अपने आशीर्वचनों द्वारा सभी को कृतार्थ किया। It is our first time here in South Africa, in Johannesburg, but the love and the warmth that we've been receiving for the past 2 days makes me feel that like I've been here all my life. And this is the power of love. This is the power of unconditional love. Love that comes from within. The love that comes from my whole being. The love that comes when I myself become love has the power of making me feel at home every place. And this is the miracle of the Sadhguru, Her Holiness, and all of us who have been blessed with the Brahm Gyan, the God knowledge, God realization, are on our journey to becoming love. अंत में सभी ने सतगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त किए। शाम को सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी ने स्थानीय महात्माओं के घरों में चरण डालकर उन्हें अपने दिव्य दर्शन प्रदान किए। अगले दिन 13 जुलाई को ये रूहानी काफिला डरबन पहुंचा, जहां सद्गुरु के आगमन से संतों महात्माओं की खुशी का ठिकाना ना रहा। 14 जुलाई को डरबन के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं राजपिता जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन फिनिक्स सेटलमेंट एरिया स्थित सर्वोदया में हुआ, जो कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 20 साल तक गृह स्थान रहा। महात्मा गांधी जी की पोती ईला गांधी ने सतगुरु माता जी का स्वागत किया एवं उन्हें वहां की एग्जीबिशन से भी रूबरू करवाया। चौदह जुलाई को डरबन स्थित केंद्र हॉल में समागम का आयोजन किया गया, जहां सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का स्नेह एवं दर्शन पाकर भक्तजन निहाल हो गए। यहां भी अनेकों क्षेत्रीय महात्माओं एवं गणमान्य जनों ने शिरकत की। महात्माओं ने अपने भाव गीत, व्याख्यान एवं कविताओं में व्यक्त कर सद्गुरु को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंत में सद्गुरु माता जी के विचारों से पूर्व राजपिता जी ने भी अपने विचारों से संगतों को निहाल किया। सत्संग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में सद्गुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों में फरमाया, From the last 2 hours, we all been listening to the wise words of whoever spoke, be it whichever body, whichever gender, whichever background, but the message of this one, that regardless of whichever name we want to call it by, wherever we hold our faith, the truth is the truth, which has always been and which will be and which is right now. It's always in every place. Jaise katre katre, dali dali, har jagah ye Paramatma hai. To usi prakar fir ye atma bhi is Paramatma ka hi ansh aur ye manushya jeevan isliye taki is jeevan mein hum is Paramatma ko पहचान सके। 16 जुलाई को दिव्य युगल का आगमन केप टाउन में हुआ, जहां केप टाउन स्थित गेट्सविले में एक भव्य सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां भी कई स्थानीय महात्माओं एवं गणमान्य जनों ने सद्गुरु माता सुदीक्षा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सत्संग समारोह में अनेक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यहाँ भी सद्गुरु माता जी ने आए हुए श्रद्धालु भक्तों को अपने आशीर्वचनों से नवाजा। कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था नॉर्थ अमेरिका, जहां सबसे पहले 21 जुलाई को सतगुरु माता जी और राजपिता जी का आगमन शिकागो में हुआ। 22 जुलाई को यहां सामूहिक शादियों का आयोजन भी सतगुरु माता जी की उपस्थिति में किया गया। इसके बाद 25 जुलाई को सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का आगमन वॉशिंगटन DC में हुआ। यहाँ पर लैंगले स्कूल के एक विशाल हॉल में एक सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतगुरु माता जी ने आए हुए समस्त मानव परिवार को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया।
कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव न्यू जर्सी रहा। यहाँ भी स्थानीय महापुरुषों ने न्यू जर्सी के सत्संग भवन पर सतगुरु माता जी और राजपिता जी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद 29 जुलाई को न्यूयॉर्क में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास से आई हुई संगतों ने शिरकत की और अपनी खुशी नाच गाकर प्रकट की। यहाँ पर सतगुरु माता जी और राजपिता जी ने भवन का उद्घाटन भी किया। 30 जुलाई को एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें संगतों ने अनेक रूपों में अपने भाव सतगुरु के समक्ष प्रकट किए। अंत में सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने आए हुए समस्त मानव परिवार को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। 31 जुलाई को न्यूयॉर्क में सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत श्रीमती रुचिता कंबोज ने अपने निवास स्थान पर भव्य स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। दूर देशों की कल्याण यात्रा की लड़ी निरंतर जारी है, जिसका आगे का ब्यौरा आप न्यूज डिवाइन के अगले अंक में देखेंगे। ये खुशियों के मेले, ये आनंद की घड़ियां, दिल चाहता है जिंदगी बस आपके चरणों में यूं ही गुजरती रहे, और ऐसा तभी संभव है जब सदगुरु और साध संगत के चरणों से प्रीत बनी रहे। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने पावन अवतार वाणी में फरमाया, नाल संत दे प्रीत करे जो सुख ओ सारे पा लैंदा है, संत अवतार करे जे कृपा अपने नाल मिला लैंदा है। और इस प्रीत की शुरुआत ही होती है सेवा से, सेवा जो सारे संसार के लिए हो, संपूर्ण मानवता के प्रति हो। आज सेवा की सीख हमें दे रहे हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। इस महीने भी मानव समाज के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश भर के अनेकों स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए। इन रक्तदान शिविरों में हजारों की संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किए। मैं ध्वनि पहुंच चुकी हूं गुजरात के दाहोद जोन के अंदर, जहां पर सतगुरु माता जी की असीम कृपा से ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नाम शरद देसाई है, गाँव दाहोद है। मैंने 105 मरतबा ब्लड डोनेशन किया है। आज संत निराकार मिशन के द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है वो बहुत अभिनंदनीय है। मैं हर एक रक्तदाता को ये कहना चाहता हूँ कि आपको रक्तदान करना चाहिए। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं करते हुए संत निरंकारी मिशन की ओर से अनेक स्थानों पर आई चेकअप कैंप भी लगाया गया, जिसमें डॉक्टर्स द्वारा लोगों की आँखों की निःशुल्क जाँच की गयी तथा उन्हें चश्मे व दवाइयाँ इत्यादि वितरित की गयी। इसी प्रकार संत निरंकारी मिशन की ओर से सशक्तिकरण के तहत देश भर में निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स यानी निमा के सेंटर्स खोले जा रहे हैं। पिछले महीने चंडीगढ़ और पंजाब के राजपुरा में निमा के दो और म्यूजिक सेंटर्स खोले गए। इन म्यूजिक सेंटर्स में संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को संगीत की बेहतर शिक्षा दी जा रही है। आज न्यूज डिवाइन की टीम के साथ हम पहुंच चुके हैं राजपुरा में, जहां पे इनॉग्रेशन हो रहा है निमा का, निमा की 11th ब्रांच का, विच इज एफिलिएटेड विद प्राचीन कला केंद्र। और आप बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि कितने टैलेंटेड म्यूजिशियंस ये कला को बांटेंगे और आगे से आगे लेकर के जाएंगे। ये इनिशिएटिव है SNCF का, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का। आज निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स का ये 11वीं ब्रांच खुल रही है, उसका उद्घाटन हमारे परम पूजनीय BM सिंह जी के करकमलों द्वारा अभी हुआ है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन जो राजपुरा और आसपास के क्षेत्र में बसते हैं, वो सभी भजन भी सीखें, संगीत के माध्यम से भक्ति से जुड़ें, और आगे से आगे ये इनके कैरियर ग्रोथ में भी काम आए और इनको भक्ति से जोड़ने में भी काम आए। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के आशीर्वाद से अगस्त 2021 से वननेस वन परियोजना के तहत अब तक लगभग 2,00,000 पौधे रोपण किए जा चुके हैं। साथ ही 400 से अधिक ट्री क्लस्टर्स भी लगाए गए, जिनकी देखरेख निरंतर जारी है। पिछले महीने दिल्ली में आई भयंकर बाढ़ आपदा के तहत हजारों लोग अस्थायी रूप से बेघर हो गए। ऐसे में सद्गुरु के आदेशानुसार संत निरंकारी मिशन द्वारा पीड़ितों की सेवा में भरपूर योगदान दिया गया। निरंकारी सेवादारों तथा मिशन के प्रबंधकों ने स्थान स्थान पर जाकर जरूरतमंदों में खाने के पैकेट्स तथा जरूरी सामान बांटे। नमस्कार, धन रंका न्यूज डिवाइन की टीम के साथ मैं एकता राजदूबर आप पहुंचे हैं दिल्ली के बाढ़ग्रस्तों क्षेत्रों को, जहां पर
लोगों के आशियाने डूब गए बाढ़ के आने से, वहीं पर संत निरंकारी मिशन की टीम जो है सुबह से लगी हुई है। लगभग 13 जुलाई से ये कार्यक्रम स्टार्ट है, जहां पर जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उन तक खाने की सामग्री मुहैया कराई जा रही है। मैं जहां पर खड़ी हूं, वहां एक तरफ जो है डूबी हुई झुग्गियां हैं, जो बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। मेरे दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई हैं लोगों के आशियाने, जो कुछ समय बाद जब बाढ़ का पानी सूख जाएगा वापस से उनको स्थान वहां मिल जाएगा। वहीं पर संत निरंकारी मिशन आगे से आगे आकर लोगों के लिए, जो पीड़ित लोग हैं जिनके घर चले गए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको खाने के लिए राशन जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं SDM करावल नगर संजय सोदी जी की तरफ से आया हूँ। ये जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, ये जो सोनिया बिहार हो गया या बदरपुर खादर हो गया, इस जगह पे तो इस जगह यहाँ से हम खाना लेने आते हैं नाश्ते के लिए। जो डेली हमारा यहाँ 13 से 14 मतलब जुलाई उसे डेली 1500 लोगों का यहाँ खाना जाता है, नाश्ता जाता है। हम DM साउथ वेस्ट यानी SDM कोतवाली की तरफ से, जो यहाँ से निरंकारी से खाना अपने कुछ जो सेलेक्टेड पॉइंट हैं जहाँ पर ये आफत में फंसे हुए लोग हैं, उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ से हम लगभग 1000 आदमी को खाना 13 तारीख से कंटिन्यू लेके जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद है, हमारे को खाना दे रहा है। जयपाल सिंह सेवा भारती करावल नगर से जिला मंत्री हूँ। रोज निरंकारी की तरफ से नाश्ता भी आ रहा है यहाँ पर, हर तरह की मदद जैसा भी संभव हो सकता है, ये मतलब जो है आपदा पीड़ित लोगों की मदद करते ही हैं। ये खाना जब से हम टेंट में शिफ्ट हुए हैं तभी से आ रहा है। खाने वाले बहुत बढ़िया खाना आ रहा है, कोई बात नहीं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं सब, और कोई कमी नहीं कोई बात की है। अभी तक खाना नहीं आया था, अभी लेकर आया, कोई खाना नहीं दिया। निरंकारी मिशन का धन्यवाद जो खाना टाइम से दे रहा है। डिस्टेंस डजंट मैटर टू अ हार्ट फुल ऑफ लव एंड केयर। प्यार भरे ही उद्गार थे माता सविंदर जी के, और यकीनन प्यार ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, और प्यार ही एक दूसरे को करीब लाता है, और फिर यही प्यार साध संगत का स्वरूप बन जाता है। पिछले महीने सत्संग के अनेक रूप देखने को मिले, कहीं पर इंग्लिश मीडियम सत्संग सजा हुआ नजर आया, तो कहीं बाल समागम, और अनेक स्थानों पर महिला समागम का भी सुंदर नज़ारा देखने को मिला, जो श्रद्धा प्रेम और भक्ति का एक खूबसूरत गुलदस्ता लग रहा था। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं कि हर समस्या का हल निरंकार परमात्मा का सहारा है। सदगुरु कृपा करें कि हम सभी इसी मजबूत सहारे का आधार लेकर आगे से आगे बढ़ते जाएं। ये श्रद्धा भक्ति और समर्पण का भाव बना रहे, सभी की जिंदगी आनंद से भरपूर रहे। तो आइए सभी के भले की प्रार्थना करते हुए अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगस्त महीने की खबरों के साथ सितंबर के महीने में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, धन निरंकार।